पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मुसलसल पांचवा बजट पेश कर रहा हूं। बजट में अल्फाज का गोरख धंधा, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, बस एक से बढ़कर एक धंधा। वफाकी हुकूमत ने 120 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए। 85,000 रुपए महाना आमदन वाले सुपर टैक्स के जाल में फंसा लिए। नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद कसने का फैसला। घर बनाने वाले हो जाएं तैयार, सीमेंट और सरिया महंगे हो जाएंगे। हुकूमत का इजाफी ड्यूटीज लगाने का फैसला। हज अखराजात बदस्तूर ज्यादा रहेंगे। टूर ऑपरेटर्स पर आय टैक्स खत्म नहीं किया गया। नून लीग की वफाकी हुकूमत पांचवें बजट में भी तनख्वाहों में 10% इजाफे से आगे ना बढ़ सकी। पेंशन में भी 10% इजाफे का ऐलान। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों में ज़र्बे अर्ज़ स्पेशल अलाउंस शामिल करके 20% इजाफा होगा। वफाकी वजीर खजाना का बजट तकरीर में कम अज कम उजरत 14,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का ऐलान। वफाकी बजट में इक्तिसादी राहदारी मंसूबों के लिए 180 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बिजली के मंसूबों के लिए 4 खरब 1 अरब, दिफा के लिए 920 अरब, तालीम के लिए 90 अरब रुपए रखे जाएंगे। रेलवे के सफेद हाथी के लिए 43 अरब रुपए का चारा। ऊंट के मुंह में जीरा, गाड़ियों की कीमतें लाखों में, टैक्सों में कमी सिर्फ 3 से 5 हज़ार रुपए। स्मार्ट मोबाइल फोन्स और फोन कॉल्स पर टैक्सों में भी मामूली कमी का ऐलान। वजीर खजाना ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। अपोजिशन ने बजट को मायूस कुन करार दे दिया। असद उमर कहते हैं गरीब और आम आदमी पर बोझ बढ़ाया गया। सराजुल हक बोले हुकूमत आखिरी बजट में भी रिलीफ नहीं दे सकी। शेख रशीद ने कहा बजट झूठ का गोरख धंधा है। वजीर इत्तला सिंह नासिर हुसैन शाह बोले विद होल्डिंग भत्ता महंगाई का सुनामी लाएगा। ताजिरों और सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द अमल। जिस तरीके से वहाँ पे हालात हुए, जो आए बारो आप में और डिक्टेटर में क्या फर्क है? डिक्टेटर भी बोलने नहीं देता था। आपसे वो मांग क्या रहे हैं? बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। बजट की कॉपियां फाड़ दी। वजीर खजाना से कबल ऑपोजिशन लीडर की बोलने की कोशिश। स्पीकर के रोकने के बावजूद बोलते रहे। खुर्शीद शाह ने कहा एहतजाज करने वाले किसानों के खिलाफ बिला जवाब ताकत का इस्तेमाल किया गया। हुकूमत आमिरों से भी बढ़ गई। ऑपोजिशन अरकान का वॉकआउट कुछ देर बाद वापस आ गए। बजट वाले दिन सड़कों पर आ गए किसान। शहर इक्तदार में लगाया मैदान। मौसम शदीद गर्म, पुलिस भी मुजाहरीन पर हो गई बरहम। किसानों पर लाठी चार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल। मुजाहरीन का पथराव, 3 पुलिस अफसरों समेत कई जख्मी। डी चौक और इर्द गिर्द से 180 मुजाहरीन गिरफ्तार। पेशावर में तहरीक इंसाफ का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। एमपीए फजल इलाही की जेर क्यादत कारकुनान का हजार खानी और ताजाबाद ग्रिड स्टेशन पर धावा। एमपीए ने बिजली खुद बहाल कर दी। कहते हैं इलाके में 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। उनके जीते जी 8 घंटे से ज्यादा बिजली बंद नहीं होगी। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बयान खत्म कर दूंगा। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 2017-2018 जो है वो बिल्कुल लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा हो चुका होगा। लोड शेडिंग खत्म करने के दावों का पोल इक्तिसादी सर्वे ने खोल दिया। रवा माली साल के दौरान मुल्क में बिजली की पैदावार बढ़ने की बजाय कम हो गई।
इमरान खान कहते हैं गो नवाज गो पाकिस्तान का कौमी नारा बन गया। तहरीक इंसाफ आइंदा पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा जैसा इनकलाब सारे पाकिस्तान में आएगा। रमजान के बाद पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम चलाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पेशावर में नूर आलम खान से भी मुलाकात। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास। जोनल कमेटियों के मुताबिक पंजाब सिंध और बलोचिस्तान में चांद दिखाई नहीं दिया। माहिरीन फलकियात के मुताबिक यकम रमजानुल मुबारक इतवार 28 मई को हो सकती है। उधर सऊदी अरब में पहला रोजा कल होगा। नेकियां कमाने के महीने में नाजायज मुनाफा कमाने की तैयारियां। हुक्मरानों के बुलंदोबांग दावों के बावजूद महंगाई का जिन किसी के काबू में नहीं। मजमू महंगाई के लिए जखीरा अंदोज भी मुतहरिक। रमजानुल मुबारक से पहले ही फलों सब्जी और दीगर अशियाई जरूरिया की कीमतों को आग लग गई। गर्मी ने गजब ढाया, सूरज सवानेजे पर आया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। लाड़काना में दर्जा हरारत 48, लाहौर में 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अगले 2 से 3 रोज के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा, महकमे मौसमियात ने बता दिया। सुपर पावर की सदारत का घुमंड या कोई नफ्सियाती मसला। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से आगे चलने वाले मोंटेनेग्रो के वजीर आजम को धक्का दिया और खुद आगे आ गए। अमरीकी सदर G7 इजलास के मौके पर दीगर हुक्मरानों के साथ स्टेज पर आ रहे थे। ट्रंप की इस हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। और पाकिस्तान में मौसीकी का एक और रोशन बाब बंद। मुमताज मौसीकार वजाहत अतरे हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। कॉलेज के 22 लाहौर के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। वजाहत अतरे ने दर्जनों फिल्मों की मौसीकी दी। मुश्किल से मुश्किल बंदिशें लगाने में कमाल हासिल था।